ब्रह्मांड में हमें कई जगहों पर पानी के समंदर होने के सबूत मिले हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि पानी के अलावा कई दूसरे अजीबोगरीब मैटर के समंदर भी मिले हैं। इस लिस्ट में चार्ज्ड प्लाज्मा से लेकर स्टिकी गुई टार भी शामिल है। यूं तो एक्सोप्लैनेट्स को खोज निकालने की दौड़ में हमने कई अनोखे ग्रहों का पता लगाया है, लेकिन एक स्टीमी वाटर वर्ल्ड वाले अनजान प्लैनेट का पता लगाना जो पृथ्वी से भी बड़ा है अपने आप में ही एक निराली खोज है। ये एक्सोप्लैनेट्स कोई और नहीं बल्कि GJ1214b है। इसका नाम शायद ही आप में से कुछ लोगों ने सुना हो, लेकिन इसे एस्ट्रोनॉमर्स ने 2009 में ही खोज निकाला था। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई ऑब्जर्वेशन इस ग्रह से जुड़े कई रहस्यों को साझा करता है। चलिए नजर डालते हैं इस घने और स्टीमी एटमॉस्फेयर वाले इस एक्सोप्लैनेट्स के रहस्यों पर। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट GLIES 1214b। दिसंबर 2009 में एम अर्थ प्रोजेक्ट के भीतर खोजा गया GLIES 1214b एक एक्सोप्लैनेट है जो GLIES 1214 स्टार को ऑर्बिट करता है। इस ग्रह के होने की पुष्टि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हाई एक्यूरेसी रेडियल वेलोसिटी प्लैनेट सर्चर द्वारा की गई। ये स्टार हमारी पृथ्वी से 47 लाइट ईयर्स दूर है और ऑफ्यूकस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। वैज्ञानिकों के हिसाब से GLIES 1214b ओशन प्लैनेट होने का सबसे प्रबल उम्मीदवार है। शायद यही कारण है कि इस ग्रह को वाटर वर्ल्ड भी कहते हैं। हालांकि इस ग्रह को सुपर अर्थ भी माना जाता है, लेकिन असल में ये मास और रेडियस के मामले में हमारे सौरमंडल में मौजूद बाकी गैस जाइंट से छोटा है और पृथ्वी से आकार के मामले में 6 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके डायमीटर की अगर बात की जाए तो पृथ्वी के डायमीटर का 2.7 गुना है और इसका वजन हमारे होम प्लेनेट से लगभग 7 गुना ज्यादा है। कोरोट 7b के बाद ये दूसरा सुपर अर्थ है जिसे हम जानते हैं। इसका होस्ट स्टार एक रेड ड्वार्फ है और ये 2 मिलियन किलोमीटर की दूरी से अपनी पेरेंट स्टार को ऑर्बिट करता है। ये ग्रह हर 38 घंटे में एक बार अपने कम मास वाले एम टाइप स्टार को ऑर्बिट करता है। ये ग्रह पृथ्वी की तुलना में अपने सूर्य से 70 गुना ज्यादा करीब है। यही वजह है कि इस ग्रह की सतह का अनुमानित तापमान 230 डिग्री सेल्सियस रहता है। अपने सूर्य से करीब होने का परिणाम ये है कि इसकी सतह लाइफ होस्ट करने के लिए बहुत गर्म है। इसकी सतह पर मौजूद गर्म तापमान शायद हाइड्रोजन और कार्बन की केमिस्ट्री को प्रभावित करते हैं जो कि वातावरण में धुंध पैदा करते हैं। हालांकि इस ग्रह को वाटर वर्ल्ड भी कहते हैं, लेकिन नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर नोरियो नारिटा का कहना है कि इस ग्रह पर तापमान और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पानी सामान्य रूप में नहीं होता, बल्कि ये एक आयोनिक प्लाज्मा के रूप में बॉटम एटमॉस्फेयर में मिलता है। डायवर्सिटी। आज तक हमारे सौरमंडल से परे एस्ट्रोनॉमर्स ने कई एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि GLIES 1214b जो कि ऑफ्यूकस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, ये बाकी ग्रहों या एक्सोप्लैनेट से बिल्कुल ही अलग है। वैज्ञानिकों ने 2010 में जो पहली रिपोर्ट दी उसके मुताबिक इस ग्रह का एटमॉस्फेयर पानी से बना हुआ है, लेकिन उनके ये परिणाम पूरी तरह से साफ नहीं थे। अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए हबल्स वाइड फील्ड कैमरा 3 का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में ये ग्रह जब अपने तारे के सामने से गुजरा तो हबल ने इसको देखा। इसके स्टारलाइट को फिल्टर करने के तरीके से वैज्ञानिकों ने इसकी संरचना का पता लगाने की कोशिश की। दूसरे टेरेस्ट्रियल्स प्लैनेट्स की तरह इस सुपर अर्थ पर सॉलिड सतह नहीं है। ऐसे में एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट ने इसकी स्केल हाइट का पता लगाने के लिए एक कॉन्सेप्ट सामने रखा, जिससे ये पता लग पाया कि पृथ्वी पर स्केल हाइट 10 किलोमीटर है, लेकिन ग्लीस की स्केल हाइट पृथ्वी की तुलना में 3 गुना गहरी है। वॉटरी वर्ल्ड। एस्ट्रोनॉमर्स GJ1214b के मास और आकार के बारे में जानते थे, इसलिए वे इसकी डेंसिटी को कैलकुलेट कर पाए। इसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि पृथ्वी की डेंसिटी 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और पानी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये इस बात को जाहिर करता है कि पृथ्वी की तुलना में इस ग्रह पर पानी ज्यादा है और चट्टान कम है। इस ग्रह का इंटरनल स्ट्रक्चर
हमारी पृथ्वी से काफी अलग है। रिसर्चर्स कहते हैं कि इस ग्रह पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हॉट आइस और सुपर फ्लूइड जैसे एक्सोटिक मटेरियल्स का निर्माण कर सकते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि इस ग्रह को देखकर लगता है कि ये अपने तारे से दूर कहीं और बना होगा, जहां वाटर आइस बहुत ज्यादा मात्रा में थी। लेकिन समय के साथ ये यात्रा करते हुए अपनी करंट लोकेशन पर पहुंच गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया में इस ग्रह ने पृथ्वी के जैसे तापमान का अनुभव किया होगा, लेकिन कितने समय तक ये हम नहीं जानते। ये जरूर है कि भविष्य में हम इस बात का पता लगा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी से पास होने के नाते ये जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा स्टडी किया जा सकता है। बता दें कि जेम्स वेब टेलीस्कोप 2021 में लॉन्च होने वाला है और इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप का अपग्रेडेड वर्जन माना जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2021 के बाद इस ग्रह की मिस्ट्री काफी हद तक सुलझ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।